नफरतिया कीड़े राजा सिंह को दोबारा से हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते हैं कि ये वो दौर चल रहा है जिस दौर में किसी भी बेगैरत को अगर फेमस होना हो तो इस्लाम और हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करके वो रातों रात हीरो बन सकता है। दोस्तों देखिए दोबारा से राजा सिंह की गिरफ्तारी। ये हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बहुत ज्यादा दबाव था वहां के लोगों का कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, जमकर प्रदर्शन हुआ था, नारे लगे थे टी राजा सिंह के खिलाफ। ये देख लिया आपने दोस्तों, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले राजा सिंह ने बता दिया था, डर जता दिया था कि वो गिरफ्तार हो सकता है। अब आपको बता दूं कि गिरफ्तार होने से पहले ही उसने पूरे भारत के हिंदुओं को अपनी तरफ दिखाते हुए अपने नफरत के समर्थन में खड़े होने की गुजारिश की है, यानी अंदर भी गया है तो दोबारा आग लगाकर चिंगारी में तेल डालकर गया है। अब ये देखिएगा बड़ा कुछ होने वाला है। इसकी गिरफ्तारी दोबारा जो हुई है, आपको क्या लगता है कि ये दोबारा वापस बाहर नहीं आएगा? अजी जितनी बार ये गिरफ्तार होगा बड़ी शान से, उतनी ही बड़ी शान से ये वापस भी लाया जाएगा और इसकी और भी बड़ी खातिरदारी की जाएगी। गिरफ्तार होने से पहले उसका ये वीडियो था। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अगली मॉर्निंग पुराने पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अब ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए या तड़ी पार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है, कोई हमारे भगवान को गाली दे ये हमें बर्दाश्त नहीं, और जो धर्म को ललकारेगा जिस भाषा में वो समझेगा उस भाषा में राजा सिंह नहीं भारत का हर वो हिंदू हर वो दुश्मन को जवाब देगा। ये तो आपने देख लिया, सुन लिया और आप ये समझ भी गए कि आज भारत में क्या चल रहा है। सब कुछ प्री प्लान है और खुल्लम खुल्ला हमारे हुजूर पाक को गालियां बकी जाएंगी, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे आवाज उठाएंगे तो फिर उधर से पुलिस हमें ही मारेगी, हमें ही गिरफ्तार करेगी, हमारे घरों के अंदर घुसकर हमें तोड़ेगी। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये तो मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं और जो कहा वो हो गया। मैंने इसी बात को लेकर 1.5 साल पहले कहा था कि कश्मीर की हाय लगी है, कश्मीरी मुसलमानों की हाय लगी है, उन पर हो रहे जुल्म को हम देखकर खामोश रहे। तो कल जो उनके साथ हो रहा था आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ होना शुरू हो गया है। कल रात को जब हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ हम मोहब्बत से प्यार से हैदराबाद के लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो उल्टा पुलिस वालों ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, घरों में घुसकर मुसलमान लोगों को मारा। क्या हाल हो गया है कि हमारे हुजूर हमारे इस्लाम के बारे में गालियां दी जाती हैं, उल्टा सीधा बोला जाता है और आवाज उठाने पर उल्टा हमें ही पीटा जाता है। एक झलक देखिए।
देखा दोस्तों, दिल दुखा। अरे दुनिया को दिख रहा है यार, दुनिया अंधी हो गई है। सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों का यह हाल किया हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर। अब जरा ये सोच के देखिए कि अगर ये प्रदर्शनकारी हिंदू होते तो होता पता है क्या? चार हिंदू खड़े होकर एक पोस्टर लेकर मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर दें। अजी सब छोड़ दिए, मोहम्मद जुबैर को एक फर्जी अकाउंट वाले ने मेंशन कर दिया था उसके ट्वीट को शेयर करके, गिरफ्तार हो गए थे मोहम्मद जुबैर। तो ये देख रहे हैं फर्क कितना है, ये हाल है देश का। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जल्दी से लिखिए और इस रिपोर्ट को जहां तक हो सके शेयर कीजिए और अपने दिल से अपने जमीर से पूछिए कि आपके अंदर क्या इतनी गैरत है कि आपने सोशल मीडिया पे सिर्फ इतना लिखा #arrestrajasingh। नहीं है ना आप उसमें, उन लोगों में से नहीं है ना कि आपने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया हो। मालूम है मुझे, क्योंकि ये हमारी ही गलती है कि हमारे ही मुंह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जय हिंद।